हेलो गाइस मैं रणवीर सिंह स्वागत है आपका रणवीर प्लस चैनल में तो ये मेरे हाथ में आप एक टी टाइप बल्ब देख रहे हो ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया पर ऐसा अब हम घर पे बनाएंगे तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को अब जो हमने टी टाइप बल्ब बनाना है उसके लिए हमें सामान चाहिए वो मैं भी आपको बताता हूँ हमें चाहिए ये पीवीसी कंडक्ट पाइप और इसके साथ हमें चाहिए दो डी ओ वी ये ट्वेल्व ट्वेल्व वॉट की है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके साथ हमें कोई पुराना बल्ब चाहिए जिसका हम होल्डर यूज़ करेंगे और इसके साथ हमें चाहिए ये हीट सिंक देख सकते हैं आप और उसके बाद हमें वायर चाहिए और हमें इसके साथ चाहिए पेपर कैपेसिटर मैंने दो लिए हैं हम एक से भी अपना बल्ब बना सकते हैं देख सकते हो आप ये ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से भी मिल जाएंगे फिर हमें चाहिए फेविक्विक या कोई भी एजिटिव और ये है इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग पेपर आप इसे इंसुलेशन पेपर भी कह सकते हो ये हमने ऑनलाइन लिया है इसके साथ शोल्डरिंग आयरन और शोल्डर तो अब हम अपनी पीवीसी वी पाइप लेंगे और इसको यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक कट करेंगे प्लेट की हेल्प से तो ये मैं किसी बड़े से करवा रहा हूँ ये देखिए ये पूरा कट लिया है ये देखिए ये पूरा कट कर लिया है और अब हम इसे हीट देंगे और इसको बिल्कुल फ्लैट करना है हमने हीट हम तभी ही दे रहे हैं क्योंकि इससे ये थोड़ा मेल्ट होगा और हमें इसको स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और अब मैं कोई भी जैसे यहाँ पे मैंने लिया है एक शू ब्रश इसकी हेल्प से मैं इसको स्ट्रेट करूँगा इसको फ्लैट करूँगा ये मैं बड़े की हेल्प से करवा रहा हूँ आप कुछ भी ले सकते हो कोई वुड का पीस ले सकते हो ताकि ये स्ट्रेट हो जाए ये देखिए अब हम ओवर हीट लेंगे ताकि ये हम आराम से इसको फ्लैट कर सकें ये देखिए। अच्छे से इसको प्रेस करना है ये देखिए ये फ्लैट हो चुका है हमारा ये फ्लैट हो गया ये देखिए अब हम स्केल और किसी भी स्केच कलर की हेल्प से मार्किंग करेंगे चारों साइड्स पे। हमने एक या वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर छोड़ के हम चारों साइड से इसको मार्क कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया एक या वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर छोड़ के तो ये मैंने मार्क कर लिया और हम इसको मेल्ट करके इस साइड से मतलब कि सारी साइड से पेंट कर लेंगे अब हम इसको थोड़ा हीट देंगे ये देखिए अब ये गरम हो गया है तो हम स्केल की हेल्प से इसको बेंड कर देंगे और ये हमने चारों साइड से करना है ये देखिए ये यहाँ से भी करना है यहाँ से भी करना है तो गाइस ये चारों साइड से मैंने बेंड कर लिए ये देखिए और अब हम पोकर लेंगे और उसकी हेल्प से बीच में खोल करेंगे किसी बड़े की हेल्प से और ये दोनों भी हमने तभी होल किए हैं ताकि हम हीट सिंक को इसमें जोड़ सकें ये देखिए और अब हम हीट सिंक को यहाँ पर लगाएंगे ये हम तभी लगाते हैं कि कभी कभी बल्ब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है तो इससे पीछे का जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो सकता है तो ये जो हीट सिंक होता है ये इसको अब्जॉर्ब कर लेता है अब सेंटर से वायर निकालने के लिए होता है और ये हमने स्क्रू के हेल्प से दोनों साइड जोड़ लिए हैं जो हमने आपको होल दिखाए थे ये देखिए और अब हम जो हमने एक पुराना बल्ब लिया था उसका होल्डर लेंगे इसमें से सर्किट हमने निकाल लिया है ये हमने यहाँ पर लगाना है पर उससे पहले हमने वायर भी लगानी है और वायर सेंटर वाले होल से पास करवा कर ऊपर से निकाल देनी है अब मैं किसी भी एजिटिव की हेल्प से अपने होल्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर इसको लगा दूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी पुरानी वीडियोस को भी सपोर्ट करो और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना तो ये मैंने इसको जोड़ लिया है पर क्या पता ये फेविक्विक भी उतर सकती है इसीलिए मैं इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए एम का यूज़ करूँगा ताकि होल्ड करते टाइम या बल्ब को लगाते टाइम ये उतर ना जाए तो अच्छे से हम इसको सुखाएंगे और अब ये देख सकते हो आप फिफ्टी परसेंट ये रेडी है और अब हम दोनों जगह पे डी ओ वी लगाएंगे ये देख सकते हो आप स्क्रू की हेल्प से एक इस साइड ये देख सकते हो ये हम स्क्रू को यहाँ पर लगा देंगे ये हमने दोनों साइड पे लगानी है और ये मैंने लगा ली है ये देखिए ये मेरा रेडी हो गया है लगभग ये अच्छे से सूख भी गया है तो अब हम इसकी वायरिंग करेंगे ये देख सकते हो आप ये दो वायर्स हैं और ये पीछे से भी बिल्कुल सेट है अब हमने एक वायर को एल पॉइंट पे और दूसरी वाली को एन पॉइंट पे शोल्डर कर देना है और ये है हमारा पेपर कैपेसिटर इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता तो इसको भी हमने एल और एन पॉइंट पे जोड़ देना है इसी बड़े की हेल्प से जोड़ लिया अब हमने दूसरी डी को इसके पैरेलल जोड़ना तो अब हमने एल पॉइंट को एल से और एन वाली को एन से कनेक्ट करना है तो ये जोड़ लिया है और ये देखो एल को एल पॉइंट से और एन वाली को एन पॉइंट से ये हमारा जुड़ चुका है और अब इसके बाद मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाऊंगा ये देखिए ये है होल्डर ये देखिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और देख सकते हैं आप अब मैं इसको इसके साथ आराम से कनेक्ट करूंगा वाह ये तो मेरा बिल्कुल अच्छे से वर्क कर गया है और ये लगभग ट्वेंटी फोर वॉट का है ये देखिए ये फ्लिकर तभी कर रहा है क्योंकि मैं ये फ़ोन के कैमरा से शूट कर रहा हूँ तभी ये देखिए अभी मैं आपको रात के टाइम में भी टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी लाइट है इसकी ये देखो ये फ्लिकर मैंने आपको पहले भी बताया फोन के कैमरा से शूट करने पे ये फ्लिकर करता है तो अब हम इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग पेपर लेंगे और इसको एक साइड पे हम लगाएंगे ये देखिए अभी हमने लगा लिया एक साइड पे एजिटिव की हेल्प से और अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी इसको पेस्ट कर देंगे ये देखिए हमने यहाँ पर पेस्ट करना है इसको तो ये मैंने कर लिया हुआ है ये देखो यहाँ से भी ये पेस्ट हो गया और ये इस साइड से भी हो गया तो जो इसकी ये वाली साइड्स हैं इसी पेपर से हम करेंगे इनको कवर ये देखो अभी इसको मैं इसके साइज़ का कट करके यहाँ पर लगा दूँगा ये देखो ये देखिए और मैं आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से बाय कर सकते हो इनको ये देखो अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और बताना मुझे कि आपको मेरा बनाया हुआ ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट्स भी करिएगा और लाइक भी कीजिएगा तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है आपको लग रहा है ना कि हमने मार्केट से बाई की है ये देखो ये साइड भी हमारी सूख गई है जो हमने बाद में पेस्ट की थी ये देख सकते हैं आप तो अब ये मेरा फ़ाइनल प्रोडक्ट रेडी है देखो मैंने घर पे बैठे बैठे ही बना लिया और इसमें मेरा ख़र्चा ज़्यादा नहीं फिफ्टी सिक्सटी रुपीज़ ही आया है और ये ट्वेंटी फ़ोर वाट का है अगर आप मार्केट में ट्वेंटी फोर वाट का बल्ब लेने जाओगे तो वो लगभग आपको फाइव हंड्रेड में पड़ेगा तो अब ये मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये मेरा फ़ाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट है ये देखो ये एक रूम में एक काफ़ी है अब मैं आपको इसको रात में भी टेस्ट करके दिखाता हूँ ये देखिए आप देख सकते हो इसकी लाइट बहुत अच्छी है और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें तो गाइज ये ऑनलाइन और यह मैंने घर पे बनाया ये देखो ये ऑनलाइन परचेज़ किया था और ये है जो होम मेड है तो आपको कैसा लगा लग रहा है ना आपको पूरा कि जैसे ये मार्केट से परचेज़ किया तो लाइक माय वीडियो थैंक यू बाय